हाय। घर छोड़ के क्यों भाग गए हो? वापस लौट आओ ना अजीब राजवंश। आई मिस यू। आई मिस यू टू। मैं भी घर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे घर में जहाँ पे कोई लड़ ना रहा हो, एक दूसरे को ताने ना दिए जाए, झगड़े का माहौल ना हो। अबीर, आई प्रॉमिस मैं अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस अबीर, तुम वापस आ जाओ ना। लेकिन अगर कुहू सामने से झगड़ा शुरू करेगी तो तुम भी पीछे नहीं हटोगी, राइट? इस्टी, उस लड़ाई के बाद तुमने कुहू से बात करने की कोशिश की क्या? कम ऑन मिष्टी, तुम्हें उससे बात करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। आई नो मुझे उससे बात करनी होगी। आई नो मुझे ये सब सॉर्ट आउट करना होगा। आई नो हर बार की तरह मुझे उसके सामने झुकना होगा ना। वो झगड़ा बढ़ाएगी, मुझे शांति दूत बन के उसके सामने जाना होगा। लेकिन अबीर, अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हें कुहू से बात करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर तुम भी मुझे वापस घर आने के लिए फोर्स मत करो। ओके बाय। अबीर, कुहू, कुहू मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हैशटैग बैड आइडिया। कुहू लिसन, हमारे झगड़े की वजह से माँ ने बड़े पापा से बहुत रूडली बात की है। हमारी फाइट की वजह से हमारी दोनों फैमिलीज फंस रही हैं। हमें कैसे भी करके इसे सॉर्ट आउट करना होगा। प्लीज कुहू। कुणाल। हाय माँ, क्या कर रही हैं आप? जिस माँ के दोनों बेटे अपना घर छोड़कर चले गए हो, वो माँ अपने दोनों बेटों के इंतजार के अलावा और क्या कर सकती है? माँ, हम जल्दी लौट आएंगे। कब आओगे बेटा? अगर तुम दोनों मिष्टी और कुहू के झगड़े का खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, तो फिर ये घर और तुम्हारी माँ इंतजार करते ही रह जाएंगे। कुहू और मिष्टी को समझाने का ये आइडिया भाई का था, और उन्हें तरीका सही लगता है, और मैं भी उनसे अग्री करता हूँ। अबीर के तरीके को मैं आजमा चुकी हूँ कुणाल। मेरी तरफ से जरा सी ढील क्या मिली कुहू और मिष्टी को? दोनों बहुए लड़ने झगड़ने लगी। इस झगड़े का अंत ही नहीं हो रहा, दोनों के बीच कोई सुलह ही नहीं हो पा रही। देखो कुणाल, मैं नहीं जानती कि मेरा तरीका सही था या गलत, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब ये घर मेरे तरीके से चलता था तो मेरा परिवार एक था। आई गेस मैं भाई से बात करता हूँ, शायद आपका तरीका ही मुझे। कुणाल, माँ का तरीका यहाँ नहीं चलने वाला। ओके हेलो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अभी अगर आप उनसे सख्ती से बात करेंगी तो कुछ टाइम के लिए वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? माँ, अगर वो चाहती हैं कि हम वापस घर आएं, तो उन्हें रियलाइज करना होगा कि हम घर से दूर क्यों हैं, और जब तक वो बात ये रियलाइज नहीं करती और उसे सॉल्व नहीं करती, हम वापस घर नहीं आएंगे। अबीर, कुणाल। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। भाई नानको, मैं जानता हूँ तू कुहू को बहुत मिस कर रहा है और तू माँ के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट माँ। आई मीन आई एग्री, वो पूरा घर चला सकती हैं, घर का हर डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन हमारी लाइफ के डिसीजन तो हमें ही लेने होंगे ना। ये हमारे और हमारी बीवियों के बीच की बात है, राइट? राइट। हे अंबे माँ, इतना सारा सामान दे दो। पारोल, मेरी दवाई का टाइम हो गया है। मासी, अब जाके माँ की दवा दीजिए, मैं ऐसे उठा लूंगी। कुहू, इधर आना, मेरी थोड़ी हेल्प करना। मैं करती हूँ ना। मैंने कहा ना, दवाई का टाइम हो गया है। जी कोई बात नहीं पारुल माँ, मैं मिष्टी की हेल्प करती हूँ। बिंबा, इन दोनों में सुलह हो गई क्या? सुलह देख लीजिए आप। कुहू, मिष्टी। जी माँ। माँ, माँ मैं सोच रही थी कि आज डिनर में खिचड़ी बना ले। बना तो सकते हैं, पर क्या है कि मॉनसून के मौसम में गरम गरम वेजिटेबल सूप पीने का मजा ही कुछ और होता है। आज तक हेल्दी भी और टेस्टी भी। ओके माँ, आपने हमें बुलाया। कुणाल सूप में सब्जियां पसंद नहीं करता। कैंपारुल, पर हम सबको और अबीर ब्रो को तो पसंद है ना माँ। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा सूप पहले निकाल लूंगी और बाकी बचे सूप में मिष्टी वेजिटेबल मिला देगी, है ना मिष्टी? ओके डन। पर यहाँ ना तुम्हारा ब्रो है और ना ही कुणाल। माँ,
हम दोनों उन्हें लेने जा रहे हैं अभी। #together together सुन रही हो पारू? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और मेरी सलाह को गांठ बांध लो। अगर तुम दोनों झूठ बोल रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Together आइए पारू। #hashtag scary इश्ती अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। आई नो तुझे मुझसे प्रॉब्लम है और तुझे मुझसे, लेकिन अभी के लिए हमें अपने झगड़े को होल्ड पे डालना होगा। क्या तू ये कर पाएगी? तू? मुझे करना होगा इस फैमिली के लिए और बड़े पापा के लिए। मैं भी। भाई। अरे कुणाल मेरे लाल मेरे पीले, रुक जा भाई। आरती लो। भाई मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोलूं? ये लो भाई। माँ से बात करने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं। माँ से बात करने के बाद तो बहुत लोगों को हार्ट अटैक भी आया, पेट दर्द, सर का दर्द, चक्कर, ये सब कुछ होता रहता है। वेरी फनी भाई। ये दोनों आए क्यों नहीं अभी तक? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे लाइट कैसे चली गई अचानक? भाभी ये लाइट, ताई जी मुझे तो लगता है कोई फ्यूज शूज उड़ गया होगा। हाँ डॉल हाउस को तोड़ा था, की थी एक मिस्टेक। आज से पक्का प्रॉमिस है दोनों होंगे एक। ऊन ऊन से मिलती है तभी तो बनता स्वेटर है। आपस में लड़ने से मिलके रहना बेटर है। इस कड़वी सी दुनिया में वो शक्कर पारे होते हैं, प्यार से रहने वाले सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। सॉरी। शुक्र है। तूने फिर से घर जोड़ दिया? हमने। टूटने ही नहीं देना चाहिए था। I'm sorry. अरे वाह जी वाह कुणाल, तू कितना लकी वो है। तेरी वाइफ कितनी ज्यादा समझदार है। देखा हमारी कुहू ने सब ठीक कर दिया। हाँ मेरी वाइफ और मेरी भाभी दोनों बहुत इंटेलिजेंट है चाची। देखा ये दोनों ऐसी हैं, पहले झगड़ा करती हैं फिर सबका मन जीत लेती हैं। खुशियाँ भी बांटे ये रिश्ते कभी है लाते, आंसू के मौसम खुद ही उलझे हुए से कभी है ये धागों जैसे जाते सुलझे खुद ही। आँखों को यार है ना, इंतजार है ना, तेरा कुमार है ना, मेरी तो हर बात में तू ही। संग दिन रात है ना, यूं ही तू मेरे साथ रहना, सीधी सी ये तो बात है। बचपन की पोएम के साथ बचपन का ड्रामा भी रिपीट तो नहीं हो रहा? काश मेरा शक गलत निकले एंग्री चोरनी, क्योंकि अगर मेरा शक सही हुआ तो इट मींस तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। यस दादी हैशटैग सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ। तो ठीक है ना, हम दोनों सबके लिए कुछ बना लेते। नहीं मिस्टी, ब्रो और मैं फूड और ड्रिंक्स के मामले में
बहुत एक्सपर्ट है, हमसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है, इसलिए हम जाते हैं. ओके, यू रिलैक्स, चलो तुम रेस्ट करो. कुणाल, चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प कर दूं. ग्रेट. क्या बनाएंगे? ऑरेंज स्क्वॉश. नाइस, मिष्टी का फेवरेट. लेकिन हम शुगर फ्री बनाएंगे. वैसे कुहू मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया तुमने. मेरा तो निकनेम ही कमाल खान है ब्रो. लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? तुमने मिष्टी को सॉरी कहा ना? गलती हम दोनों की थी, तुम दोनों ही सॉरी बोलेंगे ना? हाँ, लेकिन कल तो मिष्टी कह रही थी कि सारी गलती तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है. कुहू, तू रानी करीना से बेटर एक्टर है. कैरेक्टर ब्रेक मत कर, मिष्टी से फ्रेंडशिप का ड्रामा करती रहे. लिसन, तुम दोनों हमें घर ले जाने के लिए कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे ना? सबसे बड़ा ड्रामेबाज तो तुम्हारा भाई है, घर ही छोड़ के चला आया. अगली बार तुम उनकी बातों में मत आना. सॉरी, लेकिन बचपन से ही ना मैंने और भाई ने एक दूसरे की बातों में आने का वादा कर लिया था, और ये वादा ना मैं तोड़ सकता हूँ और ना भाई तोड़ सकता है. तो भाभी, हम दोनों भाइयों के बीच में प्लीज मत आना. नेवर एवर. बस तुम दोनों अभी हम दोनों के साथ घर वापस चलो, इससे ज्यादा और किसी को कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी. मैं माँ को फोन कर देता हूँ, वो भी वेट कर रही हूँ. बेटा रख लिया ना सब कुछ? जी बड़ी माँ, सब कुछ हो गया. आ, बैठ थोड़ी देर मेरे पास. तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो सुलह कर ली. बस मिष्टी, वादा कर मुझसे, आज से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद. वादा? वादा कर कि कुहू के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेगी और अपने ससुराल में सबको खुश रखेगी. वादा? वादा कर कि अबीर ने तुझसे जो तुम दोनों के भविष्य के बारे में पूछा है, उसके बारे में सोचेगी. वाह, उसने आपको बता दिया? तो और क्या करता, उससे इतनी जरूरी बात करने के बजाय तो कुहू के साथ जो लट गई थी. मैं आज ही जाके उससे बात करती हूँ. बड़ी माँ, आपसे एक बात पूछनी थी. क्या आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली शुरू कर सकती हूँ? मेरे मम्मी पापा तो. अगर तू उनकी बेटी है तो मेरी और बड़े पापा की भी तो बेटी है ना, है कि नहीं? देख बेटा, लोग समझते हैं कि एक लड़की संतान को जन्म देने से माँ बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है. गोद में संतान आने से ही लड़की माँ नहीं बनती है, बल्कि मन में ममता आने से लड़की माँ बनती है. अब फिर चाहे वो ममता खेल खेल में गुड़िया को गोद में लेने से आए, या फिर अपने पिता का सर दबाते समय, जिस लड़की के मन में भी ममता है वो लड़की माँ है. अबीर से बात कर. ऐसे मानना पड़ेगा, तुमने आपस में बात करके सॉर्ट आउट कर लिया, वरना डॉल हाउस की तरह घर तोड़ने का इल्जाम भी तुम पर ही आ जाता. अपने दोनों बेटों के साथ डिनर करने के लिए रेडी? सच? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों आ रहे हैं. माँ अम्बे की कृपा कि तुम दोनों वापस आ रहे हो. I'm waiting for both of you. जल्दी आ जा. ओके माँ. बीनवा? हाँ पारो, अबीर और कुणाल लौट रहे हैं. मिष्टी आइए. हैशटैग शिकायती टट्टू नंबर वन. तू जितनी एंशेंट है ना, उससे कई ज्यादा एंशेंट तेरी कंप्लेंट. क्या हुआ कुहू, ऐसे क्यों बात कर रही है? तेरे अंदर क्लेवरनेस कितनी कूट कूट के भरी ना, मुझे अच्छे से पता है. इसीलिए कहो ना प्यारे कि अमीषा वाली इनोसेंस वाली एक्टिंग मुझे मत दिखा. अब क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो? अरे दादी, इसने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा. इसने अबीर ब्रो से जाके वो डॉल हाउस वाली बात कर दी. इतनी पुरानी बात करके इसे क्या लड्डू मिल गया?
मुझे अपनी लाइफ का मुकाबला बनाने का एक भी मौका छोड़ते क्यों नहीं देंगे? मैंने अबीर से कुछ नहीं कहा है कुहू, सीरियसली। कुणाल, क्या तुमने कहा था? नहीं मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मामा, मैं बता रही हूँ ना, ये काम इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। मैंने बताई थी अबीर को वो बात। और आपने बहुत अच्छा किया बड़ी माँ, क्योंकि अगर आप नहीं बताती तो हम इनके झूठे दोस्ती के नाटक को फिर से सच समझ लेते। तुम दोनों फिर से नाटक कर रहे थे? हमारे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ऑप्शन था मिष्टी, अगर तुम एक्चुअली सच में कोशिश करती अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की, या फिर हमसे झूठ बोलकर ये नाटक करती। और तुमने चूज किया हमसे झूठ बोलना। जी बड़े पापा। बड़े पापा को मैं और भाई संभाल लेंगे। इन दोनों के बीच की कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि चाहे दांव पर कुछ भी हो, कि ससुराल की खुशी, मायके की खुशी या फिर हमारा सम्मान, ये दोनों अपनी कड़वाहट को भुला नहीं सकती। गलती हमारी ही रही होगी शौर्य की मां, हमने इस बात को इस हद तक बढ़ने दिया। मिष्टी, कुहू, अबीर और कुणाल जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों की नफरत के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं। बड़े पापा, दादू, तुम्हारे लिए ये सब गेम है ना अभी? तुमने ये सब क्यों किया? उसे क्यों उकसाया तुमने? सच बुलवाने के लिए। पर क्यों? तो क्या करता? तुम्हारी तरह एक्टिंग करता रहता। अभी तुमने बड़े पापा को देखा था ना? देखा था ना वो कैसे शॉक्ड रह गए थे? इश्ती, तुमने बड़े पापा को देखा था? उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितना भरोसा था। मैंने देखा था तुम्हें उनका भरोसा तोड़ते हुए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम और कुणाल यहाँ नहीं आते ना तो ये सब होता ही नहीं। अभी तुमने एक बार सोचा है कि अगर लड़ लड़ के तुम पूरा राजकोट सर पे नहीं उठा लेती तो हम यहाँ नहीं आते? वाओ अबीर, अगर तुम और कुणाल क्लोज हो तो तुम चाहते हो कि मैं और कुहू भी क्लोज हो जाएं? इतने सालों की कॉम्प्लिकेशंस ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो सकती अबीर। रिश्ते मन से बनते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। और इसे अल्टीमेटम देके कुछ नहीं होने वाला। आज मैं समझ गया, तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम और कुहू बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, लेकिन ये तो देखो कि तुम दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों फैमिलीज पे क्या असर पड़ रहा है। देखा था अबीर, इसीलिए हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। तुम सब के लिए हमने ये किया। थैंक यू सो मच। लेकिन मिष्टी, ये रियल लाइफ है, कोई प्ले नहीं है। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। एंड थैंक गॉड सच सामने आ गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम इन्वॉल्व हैं। कल को कहो अबीर, क्या कहना चाहते हो? इतना सब कुछ तो कह चुके हो। कल को हमारे कुहू कुणाल के बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, तो तब क्या होगा? उनके सामने भी हम झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे ऐसे? मिष्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम और कुहू मेरे और कुणाल की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, लेकिन ये स्ट्रेस, ये परेशानी मैं इस जनरेशन में ही खत्म करना चाहता हूँ। उनको पास ऑन नहीं करना चाहता। तुम्हें याद है ना मैंने जन्माष्टमी के दिन तुमसे क्या कहा था? याद है अबीर, याद है तुमने मुझसे क्या पूछा था और फिर मुझे छोड़ के यहाँ चले आए। You're right. गलती मेरी है। मैं गलत हूँ क्योंकि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि बड़े पापा और बड़ी माँ तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम पे एहसान है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अगर कुहू के सामने चुप रहोगी तो तुम छोटी बन जाओगी। मैं गलत हूँ, गलती मेरी है, क्योंकि जो खुद बच्ची है उससे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो पेरेंट बन जाए? I'm sorry, मिष्टी, मुझे नहीं लगता हमें कुछ प्लान करना चाहिए। सॉरी।
के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।